दोस्तों पिछले शुक्रवार यानी कि 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जिसने फिलहाल सिनेमा घरों में इतिहास रच रखा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जिसने फिलहाल सिनेमा घरों में 10 दिन पूरे कम्प्लीट कर लिए हैं और आज फिल्म का दूसरा मंडे है यानी कि फिल्म का आज 11वां दिन है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि फिल्म ने अपने दूसरे सैटरडे और दूसरे संडे को शानदार कलेक्शन करने के बाद आज मंडे को भी अच्छा होल्ड किया है। और दोस्तों फिल्म एनिमल आज अपने 11वें दिन यानी कि दूसरे मंडे को शानदार कलेक्शन करती नजर आ रही है और यही वजह है कि फिल्म एनिमल आज अपने 11वें दिन सारी दुनिया में तबाही मचा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिल्म एनिमल अपने पहले 10 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 11वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप रणबीर कपूर को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और उनकी फिल्म एनिमल आपको भी पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म एनिमल की तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। साल 2023 में इस फिल्म ने कामयाबी के वो झंडे गाड़े हैं, बॉलीवुड के लिए वो करके दिखाया है जो शायद इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान आपने देखी थी और जवान फिल्म के नाम बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन एनिमल जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है, शाहरुख खान की फिल्म जवान भी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो फिल्म को हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। जो भी दर्शक इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकल रहा था वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा था और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 4 स्टार दे दिए थे और ऑडियंस को भी फिल्म पसंद आती है तो उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही हुआ है, एक अच्छी फिल्म जब बनती है उसको रिस्पॉन्स मिलता ही है, वरना किसी ने सोचा नहीं था कि एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी कमाई करेगी। ये तो हम सब जानते थे कि एनिमल कमाई करेगी, लेकिन इतनी बड़ी कमाई करेगी, इतना तूफान मचाएगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एनिमल फिल्म जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वांगा ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने। फिल्म में हमें रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म का बजट मात्र 150 करोड़ रुपए का था, लेकिन अपने बजट को ये फिल्म सिर्फ 2 दिनों में रिकवर कर चुकी थी। तो फिल्म एनिमल ने अपने बजट को सिर्फ 2 दिनों में रिकवर कर लिया था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एनिमल फिल्म अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 1 दिसंबर को 63 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई पूरे इंडिया से नेट करने में कामयाब रही थी। वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 116 करोड़ रुपए था। यह जवान के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। दूसरे दिन की अगर हम बात करें सैटरडे की तो फिल्म ने कमाए थे 67 करोड़ 27 लाख रुपए और तीसरे दिन अपने पहले संडे को फिल्म का कलेक्शन रहा था 71 करोड़ 46 लाख रुपए और फिल्म का जो 3 दिनों का वीकेंड रहा था संडे तक का, पहले 3 दिनों में फिल्म एनिमल 201 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर चुकी थी। वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 356 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसके बाद शुरू होता है मंडे का दिन। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संडे के बाद अधिकतर फिल्मों में फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों एनिमल ने बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। चौथा दिन मंडे का था और मंडे को एनिमल फिल्म ने बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी हॉलीडे के 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि बॉलीवुड की तरफ से ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड था। अपने चौथे दिन यानी कि मंडे को 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिर पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 37 करोड़ 47 लाख रुपए। छठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 30 करोड़ 39 लाख रुपए का। सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 24 करोड़ 13 लाख रुपए। आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 22 करोड़ 95 लाख रुपए और नवें दिन फिल्म का दूसरा सैटरडे था और फिल्म ने कमाए थे 34 करोड़ 74 लाख रुपए। नौवें दिन 34 करोड़ 74 लाख रुपए। तो 9 दिनों में फिल्म एनिमल 395 करोड़ 27 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाई थी। तो दोस्तों 9 दिनों में 395 करोड़ 27 लाख रुपए, हिंदी भाषा में फिल्म की कमाई हो गई थी 354 करोड़ 84 लाख रुपए, तमिल से फिल्म ने कमा लिए थे 3 करोड़ 13 लाख रुपए, तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन हो गया था 36 करोड़ 67 लाख रुपए और बाकी अदर कनाडा और मलयालम से फिल्म ने कमा लिए थे लाखों रुपए। तो फिल्म की जो 9 दिनों के इंडिया के अंदर टोटल कमाई थी सभी भाषाओं में वो 395 करोड़ 27 लाख रुपए नेट हो गई थी। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 470 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 189 करोड़ 50 लाख रुपए और कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में पहले 9 दिनों में फिल्म एनिमल 660 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 10वें दिन आता है फिल्म का दूसरा संडे और ये दिन भी बड़ा ही शानदार रहा, क्योंकि सैटरडे तो ऑल टाइम हाईएस्ट था ही, 10वें दिन भी फिल्म ने इतिहास रचा और फिल्म ने कमाई की पूरे इंडिया से 38 करोड़ रुपए।
दोस्तों दूसरे संडे को 10वें दिन 38 करोड़ पूरे इंडिया से नेट कर लिए थे। और अब बात करें 11वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज मंडे है, कोई भी छुट्टी नहीं है, कोई भी हॉलीडे नहीं है, और फिर भी यह फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज 11वें दिन 14 से 15 करोड़ रुपए कमा रही है। तो फिल्म के 11 दिनों की टोटल कमाई 448 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 755 करोड़ रुपए कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, 11 दिनों में इंडिया के अंदर 438 करोड़ और पूरे वर्ल्ड में 755 करोड़ रुपए। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये फिल्म शाहरुख खान की जवान को भी पीछे कर देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने फिल्म एनिमल देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।